हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही नामी गिरामी वी वॉश के बारे में। जी हाँ, ये वी वॉश आप लोगों ने सुना ही होगा। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? खासकर महिलाओं के लिए होता है। महिलाओं के इंटीमेट एरिया में हाइजीन को मेंटेन करता है, यानी कि वेजाइना में जो आपका जलन होता है, खुजली होता है, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन वगैरह होता है, उन सभी चीज़ को दूर करने के लिए ये वी वॉश एक तरीके से क्लीनिंग लिक्विड होता है, जिसे महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। तो आज हम जानेंगे इस वी वॉश के अंदर मेन कंपोजिशन कंटेंट, क्या क्या चीज़ें मिली हुई होंगी, इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसका प्रिकॉशन, इसका साइड इफेक्ट, मतलब हर एक चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिस ना होने पाए। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं कि भैया वी वॉश के अंदर मेन कंपोजिशन क्या होगा, तो सबसे पहली बात है ये हार्मफुल जो पैराबीन और SLS SLES से फ्री होता है, और इसके अंदर ढेर सारे कंटेंट मिले होंगे, जिसमें बेस कंटेंट की बात कर लें, प्योरीफाइड वाटर हुआ, ट्राइएथिलामीन लॉरिल सल्फेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, टी ट्री ऑयल हुआ, हिपोफेई हुआ, उसके साथ हाइड्रोक्सी प्रोपिल एथिल सेलुलोज से लेकर के लैक्टिक एसिड है ना, ऐसे कर करके ढेर सारे आपके कंटेंट के द्वारा ये एक्सपर्ट हाइजीन, इंटीमेट हाइजीन का लिक्विड बनाया जाता है, और ये वजाइनल पीएच को मेंटेन करता है। अगर बात करते हैं कौन सी कंपनी बनाती है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है, जो कि बहुत ही मानी जानी FMCG कंपनी है। रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, और 100 ml के जो वी वॉश के लिक्विड के बॉटल की कीमत लगभग कितना होती है, 180 रुपये के आसपास मिल जाती है। इसके छोटे बड़े भी बॉटल आ जाते हैं। चलिए अगर बात करते हैं तो किस लिए यूज किया जाता है, इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। जी हाँ, वेजाइना में कह सकते हो जो बदबू आती है, जो बैड ऑर्डर होता है, जो अनप्लीजेंट ऑर्डर हुआ, इरिटेशन हुआ, जलन हुआ, खुजली हुआ, उसको दूर करता है। कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होती है उनको किल करता है, जो गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ है उसको बढ़ाने का काम करता है। इन्फेक्शन को रोकने का काम ये भी वॉश कर देता है। वेजाइनल के पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। वेजाइनल में जो डिस्कम्फर्ट है, जलन है, खुजली है, उसको दूर करने का काम ये कर देगा, और ओवरऑल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके आपको यहां पे इंटीमेट हाइजीन देने का काम ये वी वॉश बहुत बेहतरीन तरीके से कर देता है। अगर हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका क्या है, तो जो वी वॉश है ना, एक तरीके से जो भी वेजाइनल के डिस्कम्फर्ट होते हैं ना, वेजाइनल का पीएच जो 3.5 के आसपास होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, और कह सकते हो जो इरिटेशन हो रही है, जो इचिंग हो रही है, जो अनप्लीजेंट ऑर्डर आ रहा है, उसको इंटीमेट एरिया से दूर करने का काम ये वी वॉश कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ढेर सारे कंटेंट मौजूद है ना, वो आपके बैड ऑर्डर को भी दूर किए, और आपका कह सकते हो इन्फेक्शन को भी दूर कर दिए, स्मेल को भी दूर कर दिए, पीएच भी मेंटेन कर दिए, सारा काम ये आपका कर देता है वी वॉश। अगर हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन फॉर यूज, कैसे यूज करना है, तो वी वॉश को कोशिश कीजिए अपने गायनोकोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, वो अगर आपको सजेस्ट करते हैं तभी यूज कीजिए। कैसे करना है, जेंटली बॉटल को स्क्वीज करना है, कुछ ड्रॉप आपका वी वॉश का निकलेगा, पाम पे हथेली पे लेना है, उसके बाद आपका इंटीमेट एरिया पे अपने हथेली फिंगर से आपको लगाना है, अच्छे से वॉश करना है। यहाँ पे देख सकते हो ना, आपका सिंपली ऐसे यहाँ पे जेंटली स्क्वीज किया, उसके बाद एक्सटर्नली आप इंटीमेट एरिया पे लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा इंसर्ट भी नहीं करना है, बाहर बाहर ही जो आपकी लेयर होती है उस पर लगाना है। क्विक टिप्स की बात कर लें, ये आपका कह सकते हो अगर डेली आप नहा रहे हो है ना, इसको लगाने के साथ साथ डेली नहाना भी चाहिए, साथ ही साथ आप कह सकते हो कि वजाइनल पीएच में इम्बैलेंस है, उस कंडीशन में भी लगा सकते हो। कभी कभी क्या होता है, यूरिनेशन वगैरह के दौरान कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया, उस कंडीशन में भी लगा सकते हो। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स वगैरह कर रहे हो, या पीरियड्स वगैरह कर रहे हो है ना, या फिर कह सकते हो प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, उस कंडीशन में भी क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया आती है, स्मेल आता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उन सारी कंडीशन के हिसाब से आपको डायरेक्शन फॉर यूज देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे प्रिकॉशन, क्या सावधानियां रखनी है, तो इस्तेमाल करने से पहले इसके लेबल का डायरेक्शन अच्छे से जरूर पढ़ें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और कह सकते हो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, अच्छे से देख करके। साइड इफेक्ट की बात कर लें, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अगर लगा लिया तो ड्राइनेस भी फील करवा देगा, कभी कभी गर्माहट की भी फीलिंग देगा, तो ये इसका साइड इफेक्ट है। तो उस हिसाब से अपने डॉक्टर से सलाह लेना है, प्रिकॉशन भी ध्यान देना है, काम करने का तरीका कैसा हुआ, और इसके डायरेक्शन फॉर यूज, ये चीज़ तो आपने देख ही ली होगी। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं कि ये कंप्लीट आपके हाइजीन को मेंटेन किया, ऑर्डर को दूर किया, पीएच को मेंटेन कर दिया, इरिटेशन, इन्फ्लामेशन जो भी होगा वो सारी चीज का दूर करने का काम ये आपका वी वॉश लिक्विड कर देता है। तो ये जो इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करने का लिक्विड होगा, उम्मीद होगी जानकारी अच्छी लगी हो। इसी तरीके से ढेर सारे महिलाओं के हेल्थ से रिलेटेड, उनके इंटीमेट एरिया से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ आती हैं, जो भी प्रोडक्ट आते हैं, उनकी सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उसको विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।